हेलो फ्रेंड्स, हम सभी जिंदगी में जीतना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, लेकिन आगे बढ़ने, जीतने और सफल होने के लिए हमें कुछ नियमों का जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर जीतने वाला अपने साथ कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें रखता है। तो चलिए आज हम जानते हैं उन बेहतरीन 6 गोल्डन रूल्स के बारे में, जिनको अगर आप अपने ज़िंदगी में लेकर आते हैं तो डेफिनेटली आप जीत कर आगे निकलेंगे। मैं आपका गाइड ओजांक, आज मैं आपसे बात करूंगा उन 6 गोल्डन एटीट्यूड्स के बारे में, जिनको अपनी जिंदगी में लाकर अपने अंदर बहुत चेंजेस लेकर आ सकते हैं। तो चलिए हम जानते हैं पहला सबसे महत्वपूर्ण एटीट्यूड, और उसको बोलते हैं पॉजिटिव एटीट्यूड, यानी सकारात्मक दृष्टिकोण। दोस्तों, हम सभी की लाइफ में समस्याएं आती हैं, हम सभी जो है वो जूझते हैं, लेकिन जीतने वाला जो है वो अपने सामने आने वाली मुश्किलों को प्रॉब्लम के रूप में नहीं, चैलेंज के रूप में देखता है। यस, अगर आप भी देखना शुरू कर देंगे अपनी समस्याओं को चैलेंज के रूप में, तो आप उनसे लड़ जाएंगे। इसी को बोलते हैं पॉजिटिव एटीट्यूड। कई लोग अपनी स्थितियों का रोना रोते हैं कि काश मेरे पास ये होता तो मैं ऐसा कर देता, और कुछ लोग इन्हीं मुश्किलों को जो है वो ईश्वर को धन्यवाद देते हैं कि यस, आपने हमारे लिए कठिन चुनौतियां बनाई। तो दोस्तों, आज से याद रखिएगा, पॉजिटिव एटीट्यूड आपके साथ होना ही चाहिए। तो पहला गोल्डन रूल रहा पॉजिटिव एटीट्यूड। सेकेंड गोल्डन रूल, एंथुजियास्टिक एंड एनर्जेटिक एटीट्यूड। यस, हमेशा जो जीतने वाला होता है वो बहुत उत्साही होता है, वो बहुत ही एंथुजियास्टिक रहता है, उसकी ऊर्जा बहुत ऊपर रहती है, और वो ये समझता है कि लाइफ की हर चीज़ एक गिफ्ट है। वो मुश्किलों को और प्रशंसाओं को दोनों को एक नज़रिए से देखता है, उनका जो है वो सामना करता है। जब एनर्जेटिक लोग सुबह उठते हैं तो वो अपने दिन का रोना नहीं रखते, अरे एक दिन और काम करना पड़ेगा, एक दिन और भाग दौड़ है। वो ये सोचते हैं कि अरे वाह, आज मुझे अपनी ज़िंदगी का सामना करने के लिए एक और बेहतरीन दिन मिला है, और आज मैं जो है वो कुछ नया सीखूंगा और मैं संसार को कुछ नया दे सकता हूँ। तो दोस्तों, आज से याद रखिएगा, आपको हर समय हर हालात में एंथुजियास्टिक बने रहना है और एनर्जेटिक बने रहना है, ताकि आप लाइफ में हमेशा जो है कुछ एक्साइटिंग कर सकें। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है करेजियस बने रहना, साहसी बने रहना। दोस्तों, डर सभी को लगता है, जीतने वाले को भी और हारने वाले को भी। फर्क बस इतना है कि जीतने वाला जो है वो ये सोचता है कि एक और कदम मैं बढ़ा दूं इस डर के आगे तो ये मेरी जीत होगी, और वो जो है वो ये विश्वास अपने आप को दिलाता है कि डरने की कोई बात नहीं है, मैं इस चीज़ को हासिल कर लूँगा। और जो साहस होता है ये उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट जो होता है वो क्वालिटी होती है। तो आज से आपको भी अपने अंदर लेकर आना है साहस, ताकि आप भिड़ जाएं अपनी हर मुश्किलों से, और दुनिया आपसे क्या कहती है, तुमसे नहीं कर पाओगे, या तुम नहीं कर पाओगे, तुमसे नहीं हो पाएगा, और आप जो है वो निकल कर बाहर आओ, यस मैं अपने फियर से जो है लड़ने के लिए तैयार हूँ, मेरा करेज मुझे आगे लेकर जाएगा। तो दोस्तों, आज से बने रहना है आपको करेजियस, ताकि आप अपने डर को जो है वो हरा सको। चौथा सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी होती है, और वो होती है पीसफुल बने रहना, शांत बने रहना। जी हाँ दोस्तों, जब हम बहुत एजिटेटेड होते हैं, जब हम बहुत परेशान होते हैं, तो कई बार हमारे सामने अवसर भी जो हमें वो बंद हो जाते हैं, वो हमसे दूर चले जाते हैं। लेकिन जो विजेता होते हैं, जो विनर्स होते हैं, वो अपनी जो वरीज हैं, जो अपनी परेशानियां हैं, उनको हैंडल करना जानते हैं, और वो शांत होकर सोचते हैं कि ज़रूर इसमें कोई ना कोई रास्ता होगा। क्योंकि दोस्तों, एक बहुत बड़े दार्शनिक ने कहा है कि हर समस्या अपने साथ समाधान लेकर आती है, बशर्ते आप उसे देखते कैसे हो। तो कभी भी अपनी सिचुएशन में परेशान मत होइए, हमेशा पीसफुल बने रहिए, और आप रास्ता ढूंढ लेंगे। तो आज ध्यान रखना है, हमारे अंदर एटीट्यूड होना चाहिए पीसफुल बने रहने का। पांचवां सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी, कॉन्फिडेंट, यानी आत्मविश्वास बनाकर रखना। जी हाँ, आत्मविश्वास, इस बात में विश्वास कि यस, मैं चेंजेस के लिए बना हूं, मैं परिवर्तन कर सकता हूं। और याद रखिएगा, अगर आप जिंदगी में कुछ पाना चाहते हैं, चाहे वो एग्जाम में सफलता, चाहे वो पैसा कमाना, या किसी भी चीज में आपको सफलता अगर प्रोफेशनल लाइफ में पानी है, तो आपको सबसे पहले सफलता अपनी पर्सनल लाइफ में लेकर आनी होगी। तो दोस्तों, अगर आप कॉन्फिडेंट हैं बदलावों के लिए कि हाँ मैं कर सकता हूँ, आप डिसिप्लिन्ड हैं, तो डेफिनेटली आपको कोई रोक नहीं सकता। तो आज से हमें याद रखना है कि हमें अपने कॉन्फिडेंट को बनाकर रखना है, और चेंजेस के लिए तैयार रहना है, और प्रोफेशनल चेंजेस से पहले हमें अपने पर्सनल चेंजेस पर ध्यान रखना है, वो हमें बनाएगा विजेता। छठा सबसे इंपॉर्टेंट गुण, और वो होता है हमेशा होपफुल बने रहना, एक्सपेक्टेंट बने रहना, राइट? यानी
हमेशा ये विश्वास रखना कि मेरा एक फ्यूचर है, मेरा एक भविष्य है जो बहुत सुनहरा है, जिसमें जो है आशाएं हैं, जिसमें उम्मीदें हैं। आपके मुश्किल से मुश्किल घड़ी हो, रात बहुत अंधेरी हो, लेकिन इस बात में हमेशा विश्वास रखना कि सुबह जो होगी वो बहुत खूबसूरत होगी, एक सुनहरा भविष्य मेरा इंतजार कर रहा है। आज की मुश्किलों पर उनसे घबरा कर पीछे ना जाकर हमेशा इस बात में विश्वास रखना कि मेरा भविष्य जो है वो बहुत उज्ज्वल है, आशावादिता रखना, यही इंसान का सबसे बड़ा गुण है। तो दोस्तों, ये रहे हमारे 6 बेहतरीन गोल्डन रूल्स, यानी पॉजिटिविटी, एनर्जेटिक रहना, करेजियस रहना, पीसफुल रहना, कॉन्फिडेंट रहना और होपफुल रहना। ये 6 गुण अपने अंदर लेकर आइए, सफलता आपके कदम चूपेगी और आप एक बेहतरीन बेहतरीन जो है व्यक्तित्व के रूप में निकलेंगे। यही हम उम्मीद करते हैं, यही हम कामना करते हैं। तो आज से अपने विजेता बनने का सफर शुरू करिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में जो है बताइए। थैंक यू दोस्तों, अपने इस दोस्त को विदा करिए। किसी अगले वीडियो में कुछ नई चीजों के साथ, कुछ नई एनर्जी के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।